हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। 12 अप्रैल 2022 को एसएससी सीजीएल टायर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, उसका जीके का पोर्शन आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका आंसर ऑप्शन 4, 1961। अगला क्वेश्चन है, 2020 यूएस ओपन मेन्स चैम्पियनशिप के विजेता डोमिनिक थीम किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 4, ऑस्ट्रिया। 2022 का पुरुष एकल जीता है फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है राफेल नडाल ने, यूएस ओपन जीता है कार्लोस अल्कारेस और विंबलडन जीता है नोवाक जोकोविच ने। महिला एकल 2022 जीता है फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन जीता है ईगा स्वियातेक ने, ऑस्ट्रेलियन ओपन एशली बार्टी और विंबलडन एलेना रुबेंका ने। 2023 का पुरुष एकल जीता है यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन नोवाक जोकोविच ने। महिला एकल जीता है 2023 का यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन ईगा स्वियातेक ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है एरिना सेबुलेंका ने, और विंबलडन अभी चल रहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को व्यथबी कहा जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 4, झेलम। तवी चिनाब नदी की सहायक नदी है, श्योक नदी कश्मीर के उत्तर में है और जास्कर ये लद्दाख में फ्रोजन रिवर ट्रेड है। अगला क्वेश्चन है, भाजा गुफाएं डैश में स्थित है? इसका आंसर ऑप्शन 1, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अन्य ऐतिहासिक गुफाएं हैं अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कार्ला, भाजा, बेड़से, लेन्याद्री, औरंगाबाद, चूनापत्थर, बहटोक, ये इत्यादि गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में वित्त मंत्रालय की घोषणा के अनुसार सितंबर 2020 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी अनुपात के रूप में विदेशी कर्ज डैश था? इसका आंसर ऑप्शन 2, 21.6%। अगला क्वेश्चन है, सोना और तांबा डैश और बैंगनी प्रकाश को अवशोषित करते हैं, पीले प्रकाश को छोड़ते हैं? इसका आंसर ऑप्शन 3, नीला। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने डैश आयोग की सिफारिशों को के अनुरूप विपणन सीजन 2021-22 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP में वृद्धि को मंजूरी दी है? इसका आंसर है ऑप्शन 1, स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, यूरिया आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला नाइट्रोजन आधारित उर्वरक है जो अमोनिया और डैश के बीच रासायनिक अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 3, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, डैश संविधान संशोधन अधिनियम में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया था? इसका आंसर ऑप्शन 1, 73वें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी दूध देने वाली गाय का एक देशी नस्ल है? इसका आंसर है ऑप्शन 2, लाल सिंधी। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने डैश तक टीका उत्सव नामक एक टीकाकरण कार्यक्रम आयोजित किया? इसका आंसर ऑप्शन 1, 11 से 14 अप्रैल 2021। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य 6 का उद्देश्य क्या है? पहला, जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना। दूसरा, सभी जगहों पर किसी भी रूप में गरीबी का उन्मूलन। तीसरा, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना। चौथा, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करना और हर उम्र में सभी के लिए आरोग्यता को बढ़ावा देना। इसका आंसर है ऑप्शन 3, सभी के लिए पानी और स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ जल प्रबंधन सुनिश्चित करना। अगला क्वेश्चन है, ती पर्वत माउंट टी आपको भारत के किस राज्य में मिलेगा? इसका आंसर है ऑप्शन 3, नागालैंड। नागालैंड के अन्य पर्वत है जपकू पीक, चांग किकोंग रेंज, माउंट सरमती, वेद पीक, ओंग पांग कोंग रेंज और माउंट ती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में विकसित करने के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में शामिल किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन 1, योगासन। अगला क्वेश्चन है, राजा ललितादित्य मुक्तपीड ने डैश पर शासन किया था? इसका आंसर ऑप्शन 4, कश्मीर। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2021 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री है? इसका आंसर है ऑप्शन 1, जवाहरलाल नेहरू, ये 16 वर्ष से ज़्यादा अवधि तक PM थे। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में खेती का आदिम रूप डैश कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन 1,
कुरवा, झारखंड में खेती को कुरवा कहते हैं। खील खेती ये हिमालय में होती है, वलरे खेती राजस्थान में, कुमरी खेती पश्चिमी घाट में, और झूमिंग खेती असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में होती है। पामलू खेती ये मणिपुर में होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह समाप्त हो गया था? इसका आंसर है ऑप्शन थ्री, 1934 महात्मा गांधी अन्य आंदोलन है, 1917 चंपारण, 1918 खेड़ा, 1919 खिलाफत, 1920 असहयोग, 1927 साइमन कमीशन, 1930 दांडी मार्च, 1931 गांधी इरविन पैक्ट, 1942 भारत छोड़ो और क्रिप्स मिशन। अगला क्वेश्चन है, न्यायालय की अवमानना अधिनियम को न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने और उनसे संबंधित उनकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कुछ अदालतों की शक्तियों को परिभाषित और सीमित करने के लिए पारित किया गया था? इस अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन टू, 1971। अगला क्वेश्चन है, एक सींग वाले बड़े गेंडे को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची डैश के तहत सूचीबद्ध किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन टू, एक। अगला क्वेश्चन है, नई माताओं में स्तनपात के शुरुआती दिनों में स्तन से एक तरल पदार्थ स्रावित होता है जो बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है और संक्रमण से लड़ने में सहायक होता है, यह तरल पदार्थ क्या कहलाता है? इसका आंसर है ऑप्शन थ्री, कोलेस्ट्रॉल। अगला क्वेश्चन है, 2020 के सरस्वती सम्मान के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया था? इसका आंसर है ऑप्शन टू, शरण कुमार लिम्बाले। इनका उपन्यास था सनातन जो मराठी में था। 2021 का सरस्वती सम्मान दिया है राम दरश मिश्रा, ये इनकी हिंदी कविता है मैं तो यही हूँ। और 2022 का सरस्वती सम्मान दिया है तमिल लेखिका शिवा शंकरी इनके सूर्य वामसन के लिए। अगला क्वेश्चन है, ओडिशा में प्रचलित गायथित गायन का एक रूप है? इसका आंसर ऑप्शन थ्री, दशकतिया। दशकतिया ये ओडिशा का गीत है, कजरी ये उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय गीत है, सोहर ये बिहार का लोकगीत है और पोवाड़ा ये महाराष्ट्र का पारंपरिक गीत है। अगला क्वेश्चन है, डैश कम आय वाले लोगों की तुलना में उच्च आय वाले लोगों से आय का अधिक हिस्सा एकत्र करने वाली एक कर प्रणाली है? इसका आंसर ऑप्शन वन, आरोही कर। और प्रतिगामी कर है उच्च आय वालों की तुलना में कम आय वालों पर अधिक कर। आनुपातिक कर है सभी पर समान कर। और पेरोल कर है नियोक्ता के पेरोल पर आने पर चार्ज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1888 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जॉर्ज यूल अध्यक्ष बने? इसका आंसर ऑप्शन थ्री, इलाहाबाद। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो ही समाप्त होता है। हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।